अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारा पिंडी का प्रोग्राम बना एकदम से। उस्मान ने एयरफोर्स में टेस्ट देना था तो उसने कहा कि आप दोनों भी अप्लाई करो, मुझे और समीर का। तो मैंने अप्लाई किया और समीर ने अप्लाई किया, हम तीनों की एक दिन ही डेट आ गई। तो हमने कहा वाह, हमने जाना तो था नहीं, बहरहाल इसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं। टेस्ट की कोई तैयारी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बुक को देखा भी नहीं है। एयरफोर्स का हम टेस्ट देने जा रहे हैं, हमने बुक को देखा भी नहीं है अभी तक। ये तो जाके पता चल गया, कर क्या होगा। अरे क्या नाम है, ये हमारी हालत मैं आपको दिखाता हूँ अभी। मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि हमने सुबह टेस्ट देना है एयरफोर्स का, ठीक है। ये इसके साथ पढ़ रहा है, ये इसके साथ पढ़ रहा है, ठीक है, और मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। तो अब देखिए सुबह कल टेस्ट में क्या होगा, अल्लाह जाने। तो अभी हम करते हैं पैकिंग, चले। अभी यार रात के 12 बज रहे हैं, हमने पैकिंग करनी है। पैकिंग कर रहे हैं, उसके बाद पैकिंग करने के बाद हम सो जाएंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी है। आप खैरियत से होंगे? हम तो खैरियत से ही हैं। रात बड़ी मुश्किल थी ये रात, कसम से ना। आज किसी और के घर सोया ना तो बड़ी मुश्किल से नींद आई है। तो उस्मान था, बताओ मजा मैं आया सारा यही यार था। टाइम नहीं मेरा पास, हम निकल रहे हैं। उसके बाद आ गए तो बाहर बिल्कुल अंधेरा है। तो उसमें मेरा बैग उठा लाना यार, और क्या नाम है, उस्मान को मैंने बता दिया, वो निकल गया अंकल। ये भी निकल रहे हैं और टाइम हो गया सुबह के 4 बज के, मतलब 5 होने में 3 मिनट रह गए। दोस्तों अभी हम घर से निकले हैं, ये उस्मान, समीर और मैं। क्या नाम है, अभी यार पता क्या है, देखे ना सर्दियाँ भी, वो बिल्कुल ऐसे अंधेरा हर तरफ, ऐसे लगता है मैं रात को 8 बजे हम लोग जा रहे हैं। और ये हमारी गाड़ी आ गई। दोस्तों भी पिंडी पहुंच गए हैं, अब आगे टैक्सी करेंगे, क्या नाम है, फिर वहां पे जाएंगे जहाँ पे टेस्ट देना है। दोस्तों भी हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने टेस्ट देना है उसके करीब। तो क्या नाम है, हम काफी जल्दी पहुंच गए, 8:30 बजे, 10:30 बजे टेस्ट है और हम 8:30 बजे पहुंच गए। तो ये है कि अभी हम थोड़ी देर बाहर वेट करेंगे, अंदर जाएंगे क्योंकि अंदर भी वेट करना है। अंदर फिर ये है कि अगर अंदर गए तो उन्होंने एक जगह बिठा लेना है, यहाँ पे टेस्ट देना है जगह पे। अभी ना टेस्ट देने के बाद फिर मिलते हैं। मुबारक हो, हमने टेस्ट तो दे दिया है, बड़ी मुश्किल से टेस्ट दिया है। और मैं तो नहीं गया, मैं तो अंदर गया हूँ, उन्होंने कहा वेरिफिकेशन करनी है। तो मैंने कहा मेरी कुछ चीजें बाहर रह गई, मुझे तो बाहर जाने दो, मैं फिर वापस गया ही नहीं अंदर क्योंकि मेरी तो तैयारी थी नहीं, मैंने नहीं दिया, मैंने टेस्ट दिया। तो ये इसका ये है कि डिस्क्वालीफाइड हो गया, लेकिन मेन मकसद हमारा टेस्ट तो था नहीं, हमारा घूमना फिरना था, जो हम घूमेंगे फिरेंगे, जो हम घूम फिर रहे हैं। तो अभी हम चलेंगे खाना खाने, चले भाई। यार अभी हमने खाना खाना है, कोई होटल ही पसंद नहीं आ रहा क्योंकि ये आलू वाली तो खा नहीं सकता, बिरयानी खानी या आलू वाली खा नहीं सकता। और ये है कि अभी होटल मिल गया है, अब खाना खाएंगे, शुक्र से मिल गया है। यार होटल में पहुंच गए, बिरयानी का ऑर्डर दिया है, उसकी वजह यह है, इसकी वजह से बिरयानी का ऑर्डर दिया है, ठीक है। और जिसने खाना है आगे खा ले, इजाजत है उसको। दोस्तों अभी खाना खा लिया था, तो अभी हम उस्मान के जो कजन है ना उससे घर चलेंगे, उसने कभी कॉल किया कि आप मेरे पास आ जाए, तो हम उधर चलेंगे, नाइट स्टे भी मैं भी उधर ही करें। तो अभी उधर चलते हैं। और दोस्तों अभी मैंने घड़ी लेनी है क्योंकि लास्ट टाइम मैं था यहाँ पे घड़ियों वाली दुकान थी, बहुत जबरदस्त घड़ी थी उसके पास, इसके पास चलेंगे। छोटा सा कमरा है, बेडरूम छोटा है, इतना बड़ा नहीं यार, जबरदस्त 12x10 का बेडरूम। यार मुझे तो ये घड़ी पसंद आ गया, मैंने यही लेनी है। ये मिलेगा 2500 डबल टाइम। अगला चक्कर 2500। कौन सी? ये वाली। यार घड़ी लेनी थी वो मैंने ले ली है उसके बाद, क्योंकि ये दुकान ना लास्ट टाइम आया था उसने मुझे बड़ी बड़ी प्यारी घड़ी दिखाई थी। यार जूते के बाद कैप लेने की मिली तो वो कैप वाली दुकान पे चले गए, अभी कैप लेते हैं। अभी
मजे की नहीं मिली यार। वो जो एम एन एड पहनी हुई है ना, वो क्या नाम है उस्मान की थी, वो उसको पसंद आई यार। रोड क्रॉस कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन जब गाड़ी लेके इतना बोलती उससे ज्यादा मजा आएगा यार। हमने जो जाना डोकारा खान था, पर वही है कि हम लोग उल्टी तरफ जा रहे थे। अभी लोकेशन ऑन किए तो पता चला इस तरफ है। पहले मामू के शॉप पर गए, वहाँ पे मामू को मिलना था, तो अभी मामू को मिल के आए हैं। तो अभी उस्मान के कजन के घर जा रहे हैं, पहले तो जाना था लेकिन अभी उस वक्त नहीं गए। हमने कहा चलो पहले मामू को मिल लेते, क्योंकि मामू की शॉप थी वो करीब थी, उस्मान के कजन के घर काफी दूर था। अभी हम उसके कजन के घर जा रहे हैं। बस मेट्रो स्टेशन के करीब आ गए हैं। टोकन ले लिया, आप चलेंगे ऊपर बस पर। यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है ना, अभी बस आ गया, हम उधर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम हॉस्टल में पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम अभी थोड़ी देर क्या नाम अपना सामान वगैरह रखेंगे, फिर हम रेस्ट करेंगे थोड़ी सी, तो फिर रात को हम बाहर निकलेंगे। चलिए दोस्तों, हमने रेस्ट भी कर ली थी और अब हम आउटिंग के लिए बह रहे हैं। यहाँ पे प्रोग्राम बन गया आखिरकार आइसक्रीम खाने का, तो अभी रोपिंग पे चलेंगे आइसक्रीम खाने। यार आइसक्रीम तो खाने का प्रोग्राम बन ही गया है, लेकिन ये है कि आप देखिए सॉफ्ट व्हील जाते हैं या रोपिंग पे जाते हैं। ये आ गए सॉफ्ट व्हील, इधर खाएंगे क्या नाम है आइसक्रीम खा लेते थे हमने, और अब भूख लग गई है यार, अब खाना खाएंगे हम। वो भाई बता रहे थे कि लारी अड्डा होटल है, बड़ा मशहूर होटल है, यहाँ पे बड़े मजे का उसका खाना होता है, तो अभी हम उधर चलेंगे। तो यहाँ आ गई चिकन कढ़ाई, अब मैं ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि अगर मैं ज्यादा बात करूँगा तो एकदम खाली हो जाएगी। खाने का बिल आ चुका है, तो अहमद साहब के हाथ तो बिल चढ़ गया। कॉल सुनो, मेरी कॉल आ रही है, मुझे कॉल आई है, मैं भी कॉल सुनने जा रहा हूँ। गाइस अहमद तो टर्न हो चुका है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये टर्न हो चुका है, इसकी बैटरी डाउन हो गई है। तो खाना बहुत अच्छा था, तो इस व्लॉग का हम इख्तिताम इसी तरह करते हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।